जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। एक बात अपने जीवन में सदा उतार करो, शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ जाता है। घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था मनपूर्णा का, अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बत्ती टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है, शनि कथा में पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहे, हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ, जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मानो पड़े, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है, लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं, अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है और पूछा करे किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहनकर जाती है। सूर्यनारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो, जरूरी है। कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चल जाए, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव, तेरा क्या होगा री कालिया, क्या होगा विचार, अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का, ए अन्नपूर्णे तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस घर पर एक स्त्री बेटी कन्या या घर की बहू या बूढ़ी मां भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी, रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं,
श्रीमद भागवत कथा कर रही है तुलसी का मात्र स्मरण, तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें और सात या तीन कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में, और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शनि कथा सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आपको मालूम पहचान हो जाता है। महाराज तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है, बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे हैं पाठ कर रहे हैं तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं, तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है, कष्ट आने वाला है, सूख रही है, किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में तकलीफ आएगी, तुमने लगाया फिर सूखी, फिर लगाया फिर। तुलसा महारानी बता देती है कि कष्ट है, और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो, फलित हो, आनंद में हो, तो उस घर में फिर दुख नहीं आता, समृद्धि खुद बढ़ती चली। जिन शंकर भगवान को आप जल चढ़ाते हो, जिन ठाकुर जी से आप लाड़ लड़ाते हो, जिन भगवान कृष्ण का आप स्मरण करते हो, राधा रानी का आप नाम जाप करते हो, जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम स्मरण कर रहे हो, उससे तुम्हारा एक संबंध होना चाहिए, एक रिश्तेदारी होना चाहिए, और उससे जब तुम्हारा कोई संबंध रहेगा, उससे जब तुम्हारी कोई रिश्तेदारी रहेगी, तो उस रिश्तेदारी में जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंध है, वो मेरा पुत्र, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा सगा, वो मेरा रिश्तेदार, वो मेरा कुटुंबी, वो मेरा पुत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।